हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। आज की हम वीडियो में पिछले वीडियो में हमने जो स्टार्ट किया था उसे कंप्लीट करेंगे, जो कि है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देख लें, ताकि आपको ये वाली वीडियो समझ में आए। यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स का आधा पार्ट मैंने इसमें कवर किया है, इंट्रो, मीनिंग और दो तीन एसेट्स कवर किए हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे लीज होल्ड प्रॉपर्टी से। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे कोई भी हमने मतलब कि उसे लीज पे लिया है और उसका रेंट हम पे कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या वाउचर होते हैं जो कि ऑडिटर को चेक करने पड़ते हैं, किस तरीके से ऑडिटर वेरीफाई करता है, लेट्स सी। सबसे पहले वो लीज डेट को चेक करेगा, यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ है, साथ ही साथ वो कितने टाइम के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए है, उसकी वैल्यू क्या है, वो लीज डेट में फाइंड आउट करके उसे चेक करेगा। और रजिस्ट्रार के पास कंपनी रजिस्ट्रार जो होती है कंपनी की, मतलब कि वहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है कि नहीं, उसकी सारी कंडीशन को चेक करेगा। साथ ही साथ लीज़ का रेंट चेक करेगा कि क्या रेंट पे किया जा रहा है। और फायर इंश्योरेंस अगर लिया गया है तो उसकी मेंटेनेंस है कि नहीं, उसका प्रीमियम भरा जा रहा है कि नहीं प्रॉपर्ली, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। और अगर मतलब कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी को तो खुद हमने लीज पे लिया है तो उसे मतलब मॉर्गेज पे तो नहीं कर सकते, तो उसे सब लेट लेकिन किया जा सकता है। तो सब लेट के केस में एग्रीमेंट जो है वो टेनेंट से एग्जामिन किया जा सकता है। तो ये तो हो गया लीज होल्ड प्रॉपर्टी के केस में। ज़्यादा मैं शॉर्ट में इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि लेंदी अगर करूँगी तो आप लोगों को भी बोर हो जाएगा, प्लस इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप तो खुद से भी पढ़ सकते हो, बुक तो सबके पास होती है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसे समरी फॉर्म में किस तरीके से कम टाइम में एग्ज़ाम के पहले रिवाइज कर पाए या कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए, जिसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। तो ये तो हो गया लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में क्या हो सकता है, क्या वाउचर हो सकते हैं एक ऑडिटर को चेक करने के लिए? कोई भी हम मतलब कि अकाउंट का प्रोसीजर क्या होता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह, राइट? लेकिन मतलब कि इसमें हम जैसे हम वॉचिंग में देख रहे थे, ज़्यादातर ट्रायल बैलेंस, लेजर अकाउंट, पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें चेक की जाती थी। बट यहाँ पर हम लेजर अकाउंट भी देखेंगे और साथ ही साथ मतलब प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट होंगे ना। वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं? इनवॉइसेस हो सकती हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो भी है, करस्पॉन्डेंस, प्लांट का रजिस्टर होगा, प्लांट का रजिस्टर चेक किया जाता है। और उस प्लांट रजिस्टर में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं कि कॉस्ट कितनी है, प्लांट मशीनरी जो हमने बाय किया है वो उसकी कॉस्ट कितनी है, और अगर मतलब कि उस पर कोई डेप्रिसिएशन है तो उसका प्रोविज़न कैसा है, अगर उसको रीसेल किया गया तो उसका रिकॉर्ड क्या है, उस पर कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी मतलब कि चार्ज तो नहीं है, ये सारी चीज़ें प्लांट रजिस्टर में होती हैं। प्लांट रजिस्टर भी देखेगा और अगर ऑडिटर जो है स्केड्यूल भी चेक कर सकता है, स्केड्यूल और प्लांट रजिस्टर को कंपेयर भी करेगा, कंपेयर करेगा। साथ ही साथ वो ये भी देख सकता है कि प्लांट मशीनरी को, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया वेरिफिकेशन, अब हम देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू केयर, इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो इसके जो भी मेथड हमने अभी तक पढ़े वो सारे मेथड नहीं यूज़ होते, इसमें दो मेथड यूज़ हो सकते हैं। पहला है गोइंग कंसर्न वैल्यू मेथड, जिसमें हम कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ करते हैं। दूसरा मेथड है रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड जनरली हम देखेंगे ज़्यादातर इनटेंजिबल एसेट्स और अदर एसेट्स पे भी यूज़ होता है, जो कि कॉमन है। तो रीवैल्यूएशन एसेट्स में वो क्या चेक करेगा, वैल्यूएशन सीट्स, वैल्यूएशन सीट जो बनाई जाती है वो चेक करेगा। और अगर कोई ब्रांच या ऑफिस जहाँ पे ऑडिटर खुद विजिट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे अगर ये प्लांट मशीनरी परचेस किया गया है तो लोकल ऑडिटर से उसके सर्टिफिकेट भी एज अ वाउचर देख सकता है। हमने देखा प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, अब हम देखते हैं फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग के बारे में। फर्नीचर क्या होता है, टेबल, कुर्सी, अलमारी वगैरह। फिक्सचर क्या होते हैं, जो कहीं पे फिक्स होते हैं, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि टाइटली फिक्स्ड होते हैं ग्राउंड से, जैसे कि स्कूल में लैब वगैरह होते हैं, तो वैसे ही फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फिक्स होती हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाया सकता। फिटिंग्स वो होती हैं जैसे कि फ़ैन वगैरह हो गए, तो ये फिटिंग यानी कि फिट किए जाते हैं ग्राउंड से या तो वॉल से। ये तो हो गया इसकी मीनिंग। अब इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, इसके क्या वाउचर होते हैं? तो फर्नीचर स्टॉक रजिस्टर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे बिजनेस में प्रॉपर्ली मेंटेन किया गया है कि नहीं, ये चेक किया जाता है। और बैलेंस शीट में इसको क्लियरली शोन किया गया है कि नहीं, मतलब शो कर रहा है कि नहीं, ये भी देखेगा ऑडिटर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। हमने वेरिफिकेशन, इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, और अगर मतलब कि फर्नीचर फिक्सचर अगर मतलब कि रजिस्टर में नहीं मेंशन है, यानी कि लिस्ट पे लिया गया, तो उसकी लिस्ट डेट भी चेक कर सकते हैं। और इसके मैंने वैल्यूएशन की बात की थी, जो कि है डेप्रिसिएशन
डिपेंड करता है कि उसका मतलब कि नेचर कैसा है, उसका यूज़ कैसा हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है, जो कि हमेशा रिटर्न ऑफ किया जाएगा एनुअल ईयर में एक बार। तो इसमें फर्नीचर फिक्स्चर में ज़्यादा डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न नहीं है, साल में एक बार रिटर्न ऑफ किया जाता है। पेटेंट, पेटेंट क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट में ये सबसे मेजर पॉइंट ये है कि ये जनरली मतलब कि ये लीगल राइट होता है। अगर मैंने कुछ अपने से इन्वेंट किया और मैं उसकी लीगल राइट रखना चाहती हूँ अपने पास, कोई मेरा कॉपी ना करे, तो उसलिए पेटेंट बनाया जाता है, जिसके बदले में फीस देनी पड़ती है जो भी इसे यूज़ करेगा। तो इसको भी सेपरेट हेड में दिखाना पड़ता है। इसके सर्टिफिकेट से हम चेक कर सकते हैं कि हमें मतलब पेटेंट का सर्टिफिकेट जो बना है उससे मैच कर सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपर है कि नहीं। पहला तो होता है कि हम परचेज़ किए हैं, दूसरा हो सकता है कि हमने डेवलपमेंट एंड रिसर्च करके खुद बनाई है। तो अगर हमने परचेज़ किया है तो उस केस में हमने जो भी फीस पे की है वो पेटेंट अकाउंट के डेबिट में किया शो किया गया है कि नहीं, ये देखेगा। और अगर हमने डेवलप एंड रिसर्च किया है तो उसकी सारी जो एक्सपेंसेस है वो भी कैपिटल नेचर की होती है, तो उसे भी पेटेंट अकाउंट के डेबिट किया गया है कि नहीं, ये देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका मेन पॉइंट ये है कि ये 16 ईयर के लिए होता है। पेटेंट का जो टाइम पीरियड होता है रिटर्न ऑफ का, वो 16 ईयर होता है। तो इसका जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वो तीन केस में हो सकता है। एक तो जो ये 16 पीरियड का टाइम है पेटेंट का वो लैप्स हो गया हो, या तो फिर कुछ जिसका मैंने पेटेंट कराया था वो प्रोडक्ट उसकी जगह पे कोई और इन्वेंशन हो गई, कुछ नई प्रोडक्ट आ गई, इस वजह से मेरा पेटेंट का ये मतलब कि रिटर्न ऑफ हो जाएगा। और या तो फिर ये जो है फैशन से चला गया है, गोइंग आउट ऑफ फैशन हो गया है। तो ये थ्री केस में जो है पेटेंट रिटर्न ऑफ किया जाता है। ये इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगती, ये सब रिटर्न ऑफ होते हैं जो भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। फिर हम देखते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट और पेटेंट में ज़्यादा सिमिलैरिटी मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। कॉपीराइट जो है एक ऑथर और पब्लिशर के बीच में एग्रीमेंट जो होता है, ऑडिटर जो है कॉपीराइट के केस में एक एग्रीमेंट को चेक कर सकता है कि ऑथर और पब्लिशर के बीच में क्या एग्रीमेंट हुए थे, कितने टाइम पीरियड के लिए कॉपीराइट किया गया है। जनरली तो ये लाइफ टाइम के लिए होता है और उसके मरने के 50 साल बाद भी ये कॉपीराइट इन्फ्रिंज नहीं कर सकता कोई। तो ये भी सेम पेटेंट की तरह होता है। फिर इसमें हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं टाइम मतलब कि एफ्लेक्शन ऑफ टाइम के बेस पे। ऐसा नहीं कि कॉपीराइट वो नहीं होते, कॉपीराइट भी की वैल्यू भी धीरे धीरे इनकी भी वैल्यू कम होती है, तो इसे भी रिटर्न ऑफ किया जाता है। इसमें सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपर्ट की भी वाउचिंग कर सकते हैं। फिर आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क जो है जब कोई भी ब्रांड होता है किसी कंपनी का, अगर उसे रजिस्टर किया जा सकता है, रजिस्टर करा लिया जाता है, तो वो बन जाता है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क को चेक कैसे किया जाता है? उसकी असाइनमेंट डेट होती है, उसे एग्जामिन कर सकते हैं, या तो फिर रिन्यूअल फीस जो भी पेड हो रही है ईच ईयर राइट टाइम पे, जैसे हम इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं उसी तरीके से ये जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, लीगल राइट होती है, इनकी भी फीस मिलती है, तो उन्हें प्रॉपरली वाउच किया जाता है। इस ये भी रिवैल्यूएशन मेथड से ही इसका वैल्यूएशन किया जाता है, क्योंकि ये भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। फिर इंडोमेन पॉलिसीज, पैटर्न डिज़ाइन, ड्राइंग, ये भी सारी चीज़ें इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इनका भी पर्टिकुलर इसी तरीके से वॉचिंग किया जाता है। मैं जल्दी इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा मेजर पॉइंट नहीं है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेजर जो थे वो मैंने कवर कर चुके हैं, अब जो आने वाले पॉइंट हैं वो सब छोटे छोटे हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल भी एक फिक्स्ड एसेट्स में आता है। तो एक व्हीकल है, तो व्हीकल की हम हमारे घर में भी अगर व्हीकल होती है तो हम उसमें क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, या तो हमने उसे उसका लाइसेंस कराया हो, उसका लाइसेंस है, उसका इंश्योरेंस कराया हो, फायर इंश्योरेंस जो भी है, तो ये सारी चीज़ें जो है एज अ वाउचर हो सकती है जो कि एक ऑडिटर को चेक करनी होती है। फिर मोटर व्हीकल की भी कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन से वैल्यूएशन की जाती है।